हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अभिनेताओं को उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलते तो सुना होगा, लेकिन कभी सुना है किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हो? जी हाँ, दुनिया में एक बार ऐसा भी हुआ था और वो एक्टर उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का था। नाम था निर्मल पांडे। 90 के बॉलीवुड का ऐसा बेमिसाल एक्टर जिसके आगे मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेता फीके पड़ जाते थे, जिसकी अदाकारी इतनी दमदार हुआ करती कि विदेशी तक कायल हो जाया करते। मगर क्या आपको पता है इस बेजोड़ अभिनेता की मौत का असली सच क्या था? यूं ही 47 साल में निर्मल पांडे की मौत नहीं हो गई थी। चलिए हम आज अल्मोड़ा के सीधे साधे लड़के के बॉलीवुड एक्टर निर्मल पांडे बनने की कहानी और उनकी मौत का असली सच बताते हैं। इसे जानकर आप भौंचक्के रह जाएंगे। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला द्वाराहाट कस्बे का पान बड़ैती गांव, यहीं 10 अगस्त 1962 के दिन हेड क्लर्क हरीश पांडे और रेवा पांडे के घर जन्मा एक बच्चा। ईजा ने बड़े प्यार से नाम रखा निर्मल। शुरू से ही ईजा का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा जाए। मगर उनको क्या पता था उनका छोटा निर्मल किस्मत में पहाड़ी गलियों की खाक छानना लिखा कर नहीं आया था। उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची होने वाली थी। इसकी एक झलक भी निर्मल में बचपन से ही दिखने लगी थी। स्कूल में कहीं भी नाटक होता या गांव घर में रामलीला तो सबसे आगे निर्मल ही होते। अभिनय तो जैसे रग रग में बसा हुआ था। कुमाऊं की रामलीला को करीब से जानने वाले भली भांति परिचित होंगे कि यहां रामलीलाएं इतनी गंभीरता से मंचित होती हैं कि कई बार तो दशरथ बने अभिनेता को सच में हार्ट अटैक होने के किस्से आम हैं। ऐसी रामलीलाओं में अभिनय कर निर्मल ने अदाकारी का पहला पाठ सीखा। इंटर पास कर वो ग्रेजुएशन करने नैनीताल डीएसपी चले गए। अभिनय में रुचि तो थी ही, ऐसे में सबसे पहले नैनीताल के युग मंच से जुड़ गए। यहां बड़े लोगों का साथ मिला तो अदाकारी में निखार आने लगा। लाहौर नी देखिया, हेमलेट, अजुवा बफौल जैसे शानदार नाटकों में अभिनय कर खूब नाम कमाया। वहीं धीरे धीरे नाटकों का डायरेक्शन करना भी शुरू कर दिया। अब तो उड़ान शुरू हो चुकी थी। मगर पढ़ाई पूरी की तो घरवाले जिद करने लगे कि नाटक बहुत हुआ, अब सरकारी नौकरी की तलाश शुरू कर दे। निर्मल घरवालों को ना नहीं बोल सके। थोड़ा प्रयास किया तो भीमताल के ब्लॉक ऑफिस में सरकारी नौकरी भी मिल गई। रोज ऑफिस तो आते जाते, लेकिन मन तो एक्टिंग की दुनिया में ही घूमता रहा। 1986 के आसपास की बात होगी। निर्मल का मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई कर दिया। किस्मत रंग ला गई और उनको दाखिले के लिए बुलावा भी आ गया। बचपन का ख्वाब सरकारी नौकरी पर भारी पड़ गया। सब मना करते रहे, मगर नौकरी छोड़ने में उन्होंने देर नहीं लगाई और सीधा पहुंच गए NSD दिल्ली। यहां 3 साल तक जमकर एक्टिंग सीखी और 1989 में मजे हुए कलाकार बनकर बाहर निकले तो थिएटर करने लगे। थिएटर में एक्टिंग की खूब चर्चा होने लगी तो उनको एक दिन लंदन के तारा थिएटर ग्रुप से बुलावा आ गया। वो सीधे चले गए लंदन और ग्रुप से जुड़ गए। यहीं पर निर्मल कभी हीर रांझा तो कभी एंटीगोन जैसे मशहूर नाटकों में अपनी अदाकारी के जरिए खूब तालियां बटोरने लगे। लंदन में उन्होंने 100 से भी ज्यादा नाटकों में एक्टिंग की। एक समय में वो विदेशी धरती के कलाकारों के बीच जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। फिर एक दिन आया वो ऑफर जिसने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। 1992 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक अहम किरदार के लिए मंझा हुआ एक्टर चाहिए था जिसका लुक देसी हो। उन्होंने मनोज वाजपेयी को किरदार दे दिया था। सब कुछ करीब करीब फाइनल हो गया था कि अचानक एक दिन शेखर की रिश्तेदार उनसे मिलने पहुंची। वो NSD में पढ़ाया करती थी। बातों ही बातों में उस किरदार का जिक्र हुआ तो रिश्तेदार ने निर्मल से एक बार मिलने को बोल दिया। खैर, शेखर ने निर्मल पांडे को मिलने को बुलाया। उनको देखते ही शेखर मनोज वाजपेयी को भूल बैठे
और अपना वो किरदार निर्मल पांडे को दे दिया। 1994 में फिल्म आई बैंडिट क्वीन। फूलन देवी के पति विक्रम मल्लाह के किरदार में निर्मल ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि बड़े बड़े सूरमा उनके आगे पानी भरते नजर आए। पहली ही फिल्म में ऐसी एक्टिंग तो शायद ही किसी दूसरे अभिनेता ने की हो। खूब वाहवाही हुई और हर कोई उनके बेजोड़ अभिनय की तारीफ करने लगा। बॉलीवुड को एक नया दमदार एक्टर मिल गया था। सिर्फ विक्रम मल्लाह का किरदार नहीं, इसके बाद उन्होंने 4 ऐसे किरदार निभाए जिनको आज तक लोग भूल नहीं सके। मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा अंडरवर्ल्ड पर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक एक दिन उनकी नजर निर्मल पर पड़ी। उनकी अदाकारी से वो इतने प्रभावित हो गए कि फौरन ऑडिशन के लिए बुला लिया। कई बड़े बड़े चेहरों को पीछे छोड़कर निर्मल ने वो लीड रोल हासिल कर लिया। 1996 में फिल्म आई इस रात की सुबह नहीं। धोखेबाज पत्नी से परेशान एक ऐसा युवक जो अंडरवर्ल्ड से झगड़ा कर बैठता है। निर्मल ने ऐसी शानदार एक्टिंग की थी कि आज भी इस कम बजट की फिल्म को लोग भूल नहीं सके। इसके बाद तो निर्मल पांडे ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे ना अमिताभ तोड़ सके, ना राजेश खन्ना, ना ही दुनिया का दूसरा कोई अभिनेता। हुआ ये कि अमोल पालेकर डायरेक्टर बनकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको किन्नर के किरदार के लिए कोई चाहिए था जो इस रोल में समा जाए। निर्मल से मुलाकात हुई और उनको वो बात उनमें नजर आ गए। 1996 में फिल्म आई दायरा। निर्मल ने हिजड़े के किरदार में ऐसी जान फूंक डाली कि देश छोड़िए विदेशों में उनके नाम की धूम मच गई। फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में उनको इस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था। सबसे खास बात यह थी कि उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। ये रिकॉर्ड तो इतिहास बन गया। दुनिया में ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ, ना इसके बाद कि एक एक्टर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला हो। इनकी एक और यादगार फिल्म 1998 में आई ट्रेन टू पाकिस्तान। भारत पाक बंटवारे पर बनी इस फिल्म में जुग्गत सिंह बने निर्मल, जिनको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। क्या कमाल का अभिनय, जिसने देखा उसने सराहना की। इतना ही नहीं, भला कौन भूल सकता है 1999 में आई शबाना आजमी की गॉड मदर फिल्म में उनका जाखड़ का किरदार। ऐसा बेजोड़ किरदार निभाया कि शबाना आजमी जैसी महान हस्ती के सामने किसी भी सीन में 19 नजर नहीं आए। मगर दोस्तों, सिर्फ शानदार एक्टर होना शायद बॉलीवुड में सब कुछ नहीं होता। उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का ये बात नहीं समझ सका। आइए अब आपको निर्मल की मौत का असली सच बताते हैं। आपको भले ही बताया जाता हो कि बीमारी से उनकी मौत हुई, मगर उस बीमारी की वजह बॉलीवुड ही बना था। उनके साथ ऐसी साजिश शुरू हो गई थी जिसने धीरे धीरे इस महान एक्टर को बर्बाद कर डाला। निर्मल बड़ी तेजी से करियर में उड़ान भरते जा रहे थे। बाहर से आया कोई अभिनेता बिना किसी गॉडफादर के जब अचानक तरक्की करने लगता है तो बॉलीवुड में बड़ी लॉबी सक्रिय हो जाती है, जिनको उससे खतरा महसूस होने लगता है। फिर साजिश शुरू हो जाती है उसको डुबाने की। कुछ ऐसा ही इस एक्टर के साथ हुआ। वरना सोचिए, बैंडिट क्वीन, दायरा, इस रात की सुबह नहीं और गॉड मदर जैसी फिल्मों में अपना हुनर दिखाने वाले निर्मल को अचानक ही काम मिलना बंद कैसे हो गया। बेजोड़ अभिनय, शानदार लुक्स, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं, हर वो चीज जो एक लीड हीरो में होनी चाहिए इनमें थी, लेकिन इनको काम देना ही बंद कर दिया गया। फिर एक और बड़ी साजिश शुरू हो गई इनके खिलाफ, वो थी इनकी छवि बदलने की, हीरो से विलेन बनाने की साजिश। सीधे साधे निर्मल को अचानक गुंडों के किरदार मिलने लगे। वो इस साजिश को समझ ही नहीं सके। थिएटर के कलाकार थे तो उनको बस किरदार दिखाई पड़ते थे, उसके पीछे की साजिश नहीं। औजार फिल्म में बाबा के किरदार से शुरू हुआ निगेटिव रोल का सिलसिला फिर रुका नहीं। प्यार किया तो डरना क्या का ठाकुर विजय सिंह, यह हम तुम पे मरते हैं का धनंजय, बड़े लोगों के षड्यंत्र ने चंद फिल्मों के जरिए एक लीड हीरो को विलेन जैसी छवि दे दी। साजिश अब भी रुकी नहीं। गिनती की फिल्मों के बाद तो इनको काम मिलना ही बंद होने लगा।
उनके दोस्त काम न मिलने पर टोकते तो कहा करते, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म करने के बाद भी अब क्या उनको प्रोड्यूसरों के दरवाजे पर काम मांगने जाना पड़ेगा। सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टरों ने भी एक फिल्म के बाद इनको सालों तक दोबारा याद ही नहीं किया। काम न मिलने की वजह से निर्मल डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और वो खूब शराब पीने लगे। इसी बीच इनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद होने लगी। 1997 में इन्होंने मशहूर बॉलीवुड लेखिका कौसर मुनीर से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी हुई। कम ही लोग जानते होंगे कि निर्मल बेहतरीन गायक भी हुआ करते थे। पत्नी कौसर के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक प्राइवेट एल्बम भी निकाला था जिसका नाम था जज्बा। इसके सारे गाने कौसर ने लिखे थे जबकि सबको गाया था निर्मल पांडे ने। मगर अफसोस, इनकी शराब की लत की वजह से कौसर ने सिर्फ 3 साल में इनको तलाक दे दिया और अलग हो गई। बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया तो निर्मल को मजबूरी में साउथ सिनेमा और टीवी का रुख करना पड़ा। 2003 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ हातिम, उसमें भी निर्मल को विलेन दज्जाल का किरदार मिला। मगर टीवी पर भी कदम रखते ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने शानदार अभिनेता थे। दज्जाल का किरदार तो हातिम पर भारी पड़ने लगा था। इसी बीच उनके जीवन में एक और लड़की आ गई, अर्चना शर्मा, जो लखनऊ में शिक्षिका हुआ करती थी। दोनों ने साल 2005 में शादी कर ली। दोनों के 2 जुड़वा बेटे हुए। सब कुछ होते हुए भी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने इनको काम देना बंद कर दिया था, जिससे वो बहुत तनाव में रहने लगे और शराब बहुत पीने लगे। निर्मल ने मुंबई से भी दूरी बना ली और लखनऊ में ही रहने लगे थे। कभी कभार ही मुंबई जाया करते जब कोई छोटा मोटा रोल ऑफर हो जाता। साल 2010 की बात है, एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला था। इसी की शूटिंग पूरी कर वो घर पर बैठे थे। डिप्रेशन और ज्यादा शराब ने उनके शरीर को बहुत बीमार कर दिया था। 18 फरवरी के दिन अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में परेशानी होने लगी। आसपास बैठे लोगों को उन्होंने बताया तो हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी, मगर दिल का दौरा इतना बड़ा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बस 47 साल में ही बॉलीवुड की साजिश का डिप्रेशन इस महान अदाकार की दर्दनाक मौत का कारण बन गया। दोस्तों, आपको निर्मल पांडे याद हैं? अगर हाँ तो उनका कौन सा किरदार या फिल्म आपको पसंद आए थे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।